अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आज की शुरू में आप लोगों को सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट न्यू आने वाली जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्ट की जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, अगर आप भी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि मेरी इस वीडियो से किसी और का भी भला हो जाए। दोस्तों, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे इस घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। दोस्तों, इसका फायदा ये होगा कि मैं इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और आप मेरी वीडियो से सबसे पहले फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्ट की तरफ से एक ऑफिशियल है, मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास पहले नंबर पर ये पोस्ट है ये असिस्टेंट की। इसके लिए जो आपको स्केल में 15, इसमें उम्र के 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके लिए टोटल 2 असम है और इसके लिए यहाँ पर इसमें जो तलीमी काबिल तरक्की को बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पर ये पोस्ट है UDC यानी अपर डिवीजन क्लार्क की। इसमें जो उम्र के तरक्की 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके लिए टोटल 1 असम है और इसमें KPKL हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो तलीमी काबिल तरक्की वो FA होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास तीसरे नंबर पर ये पोस्ट है स्टोरमैन की। इसके लिए जो आपको स्केल में लगवा है 7, इसमें उम्र के 18 से 30 साल होनी चाहिए और इसके लिए टोटल 4 असम है। इसमें KPK और सेंट के डोमिसाइल होना लाजमी है और इसमें जो तलीमी काबिल तरक्की वो मैट्रिक होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चौथे नंबर पर ये पोस्ट है मेटल वर्कर की। इसके लिए जो आपको स्केल में लगवा है 3, इसके लिए टोटल 1 असम है और इसके लिए सेंट की डोमिसाइल होना लाजमी है। इसमें जो तलीमी काबिल तरक्की वो प्राइमरी पास होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पांचवें नंबर पर ये पोस्ट है वेल्डर की। इसके लिए जो आपको स्केल में लगवा है 3, इसमें तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास होनी चाहिए और मुतलका शोबे में 1 साल तजर्बा होना लाजमी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास छठे नंबर पर ये पोस्ट है कोक की। इसके लिए जो आपको स्केल में लगवा 1, इसमें जो उम्र की तरक्की 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके लिए टोटल 1 असम है और इसके अलावा यहाँ पर इसके लिए डोमिसाइल मकामी होनी चाहिए। इसमें जो तालीमी काबिलियत रखी वो प्राइमरी पास होनी चाहिए और मुतलका शोबे में 6 माह का तजर्बा होना लाजमी है। और इसके अलावा यहाँ पर इन सब में आपको महकमाना इम्तिहान पास करना लाजमी होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सातवें नंबर पर ये पोस्ट है USM की। दोस्तों, इसके लिए जो आपको स्केल में लगवा 1, इसमें जो उम्र की तरक्की 18 से 30 साल होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसके लिए टोटल 5 असम है। इसके लिए डोमिसाइल मकामी होना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो तलीमी काबिल तरक्की वो प्राइमरी पास होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2019 है। जल्दी अप्लाई करें कि देर ना हो जाए। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।